इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में जुलाई 2024 सत्र के लिए नए प्रोग्राम की शुरुआत की गई है, जिसमें एमबीए, एमएससी और एमए के अंतर्गत नए प्रोग्राम शुरू किए गए हैं। इग्नू क्षेत्रीय केंद्र शिमला के निदेशक डॉ. जोगेंद्र कुमार यादव ने इन प्रोग्राम की जानकारी साझा करते हुए बताया कि एमबीए में हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटैलिटी, एग्री बिजनेस, कंस्ट्रक्शन एंड लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन विषय शामिल है, तो वहीं एमएससी में होम साइंस, फूड सेफ्टी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी और जियोग्राफी। इसी के साथ ही मास्टर डिग्री में स्पेनिश लैंग्वेज और भगवत गीता विषय को शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि सभी कार्यक्रम रोजगार परक है, जो छात्रों के लिए काफी उपयोगी होंगे। ये सभी कार्यक्रम प्रख्यात विशेषज्ञों की ओर से विकसित किए गए हैं। शिक्षार्थी इन पाठ्यक्रम को पूरा कर स्वास्थ्य सेवाओं में रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। प्रवेश के लिए शिक्षार्थी ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। वर्तमान में इग्नू ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड से 300 से अधिक मास्टर डिग्री, बैचलर डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कार्यक्रम ऑफर कर रही है। इसके अतिरिक्त ऑनलाइन मोड से भी इग्नू ने कुछ प्रोग्राम चलाए हैं, जिसमें कि मास्टर डिग्री, बैचलर डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट, ये 44 प्रोग्राम जो हैं वो ऑनलाइन मोड से इग्नू ऑफर कर रही है। अभी हाल ही में कुछ नए प्रोग्राम इग्नू ने लॉन्च किए हैं, जो 2024 सत्र के लिए जो प्रोग्राम नए लॉन्च किए हैं उनमें एमबीए की अगर मैं बात करूं, एमबीए एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट और लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इन विषयों में जो है वो इग्नू ने नए एमबीए कार्यक्रम शुरू किए हैं। और इसके साथ ही एमएससी प्रोग्राम में होम साइंस और फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट, इसमें इसके अतिरिक्त केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, जूलॉजी और जियोग्राफी विषयों में भी इग्नू ने जो है वो एमएससी प्रोग्राम शुरू किए हैं, ये नए प्रोग्राम है। और अगर हम मास्टर डिग्री प्रोग्राम की बात करें तो कुछ एक मास्टर डिग्री प्रोग्राम भी इस सत्र से यूनिवर्सिटी ने शुरू किए हैं, जिसमें कि स्पेनिश लैंग्वेज में मास्टर डिग्री है, इसके अतिरिक्त भगवत गीता स्टडीज़ में मास्टर डिग्री प्रोग्राम शुरू किया गया है और एमए अप्लाइड उर्दू में भी ये कार्यक्रम शुरू हुआ है। इसके अतिरिक्त पॉपुलेशन एंड फैमिली हेल्थ स्टडीज़ में भी मास्टर डिग्री प्रोग्राम शुरू किया है। इसके साथ ही बैचलर डिग्री प्रोग्राम भी शुरू हुए हैं इग्नू में इस सत्र से, जिसमें कि बीए अप्लाइड साइंस एनर्जी, बीएससी फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट और बीए माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज में बैचलर ऑफ आर्ट्स प्रोग्राम जो है वो इग्नू ने शुरू किया है। कुछ डिप्लोमा प्रोग्राम भी शुरू हुए हैं और सर्टिफिकेट भी शुरू हुए हैं, जिनमें पीजी डिप्लोमा इन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन मैनेजमेंट, पीजी डिप्लोमा इन रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजी, डिप्लोमा इन फैशन डिज़ाइन एंड रिटेल और सर्टिफिकेट प्रोग्राम में इवेंट मैनेजमेंट में एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम शुरू हुआ है, तथा कुछ स्पेशल एजुकेशन में जो कि हेयरिंग इम्पेयरमेंट और विजुअल इम्पेयरमेंट तथा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कार्यक्रम में 6 महीने के कार्यक्रम जो है वो ये स्पेशल एजुकेशन में यूनिवर्सिटी ने शुरू किए हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे नए प्रोग्राम आने से जो स्टूडेंट्स इन नए विषयों में अपनी हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा अवसर है कि इग्नू से प्रवेश ले सकते हैं। और इसी के दृष्टिगत इग्नू ने जो है अपनी एडमिशन की जो डेट है वो 15 जुलाई 2024 तक बढ़ा दी है और इसकी जो प्रक्रिया रहेगी एडमिशन की वो ऑनलाइन रहेगी और ऑनलाइन के लिए जो लिंक है वो इग्नू की वेबसाइट पर अवेलेबल है। साथ ही साथ री रजिस्ट्रेशन जुलाई 2024 के लिए इसकी प्रक्रिया भी चल रही है और उसका लिंक भी इग्नू की वेबसाइट पर अवेलेबल है। जो स्टूडेंट्स पहले से बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री में एनरोल्ड रहते हैं उनको अगले वर्ष या अगले सेमेस्टर के लिए री रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, तो उसकी प्रक्रिया भी आजकल चल रही है। तो मैं यही स्टूडेंट्स जो एजुकेशनल एस्पायरेंट्स हैं उनसे यही आह्वान करूँगा कि किसी भी इग्नू के कार्यक्रम में एडमिशन लेने के लिए वो इग्नू की जो आधिकारिक वेबसाइट है उस पर जाएं, वहाँ क्लिक करके जो लिंक अवेलेबल है उसके थ्रू ही अपना एडमिशन भरें।
इसके अतिरिक्त किसी भी कठिनाई के लिए या कोई स्टूडेंट को दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम लगती है, तो हमारे क्षेत्रीय केंद्र शिमला से या फिर किसी भी अध्ययन केंद्र से संपर्क कर सकते हैं।